लाइफ की बीमा पॉलिसी खरीद कर हासिल करें तहफ्फुज बचत और मुनाफा एक साथ। फ्री फ्री स्टेट लाइफ की तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री। पुरानी पॉलिसी पर कर्जा, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, हादसाती क्लेम, न्यू पॉलिसी के लिए मशवरा बिल्कुल फ्री। तो पहले तो मैंने मशहूरी में सुना था कि स्टेट लाइफ ये करती है वो करती है, लेकिन आज जब मुझे चेक मिला 20 साल बाद, खुदा जानता है मुझे यकीन हो गया और मैंने खुद भी स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर लिया है कि लोगों की भलाई कर सकूं। ये आपकी अपनी भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है, आने वाले वक्त की भलाई है, मुस्तकबिल है आप। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक सबसे छोटा प्लान बताऊंगा और इस प्लान का नाम जो है वो एंडोमेंट प्लान है। और इस प्लान में जो आपको रिटर्न बताया जाएगा, जो आपको बेनिफिट्स बताए जाएंगे, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ आपको मिलेंगे। तो इसमें देखें, ये एक ऐसा प्लान है जो हर शख्स करवा सकता है, बआसानी करवा सकता है। और अगर कोई शख्स जो है जॉब करता है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर उसका अपना कोई काम है, चाहे उसका अपना कोई बिजनेस है या कोई शॉप है या कोई उसकी अपनी कोई कोई भी उसका पार्ट टाइम अगर काम भी है, तो वो इस प्लान को ईजिली जो है वो ले सकता है। ये प्लान जो है ये सबसे छोटा प्लान है। इसमें आपको साल के जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को जो है तकरीबन साल के आपको जो पे करने हैं वो पे करने हैं 12,000 रुपये। अगर आप साल के 12,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे करेंगे तो आपको जो है इसका रिटर्न तकरीबन 8 से 10 लाख रुपये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो रिटर्न है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपये है और इसके जो फ़वायदे हैं वो बेशुमार हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब कोई शख्स लेता है तो उसकी स्टार्टिंग, उसकी जैसे ही फाइल बनती है उसके बाद उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो सालाना बुनियाद पे बोनसेस लग रहे होते हैं उसकी फाइल में। इसके अलावा अगर उसकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं, अगर उसको लोन वगैरह चाहिए तो वो 80% लोन भी ले सकता है जो उसने अमाउंट जमा करवाई उसके ऊपर। इसके अलावा अगर उसकी पॉलिसी को इन केस खुदा ना खासा दौरान पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को जो है तहफ़ुज़ के तौर पर तकरीबन 2 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है नेशनल डेथ की मत में, और अगर एक्सीडेंट के थ्रू दे तो उस सूरत में 4 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी करवाने के लिए आपका अपना NIC चाहिए होगा, नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसकी NIC कॉपी चाहिए होगी, और जिस वक्त भी आप ये पॉलिसी लेंगे उस वक्त आपके पास तकरीबन 12,000 रुपये होने चाहिए। ये 12,000 रुपये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये आपकी जो भी एज होगी उसके मुताबिक ये अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकती है। इसमें राइडर्स भी ऐड किए जाते हैं जिसमें AIP जो इंजरी क्लेम होता है, इंजरी राइडर होता है, इसके तहत अगर दौरान पॉलिसी खुदा ना खासा कोई बॉडी का पार्ट जाया हो जाए, जैसे अगर कोई हाथ की उंगली या आँख, इस टाइप का कोई भी बॉडी का पार्ट अगर ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा तो उस सूरत में भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस क्लेम अदा कर रही होती है। इसके अलावा FIP राइडर होता है, FIP का मतलब होता है फैमिली इनकम बेनिफिट। इसमें जो है डेथ के बाद आपकी फैमिली को डेथ क्लेम के अलावा भी एक पेंशन की मद में सालाना बुनियाद पे या फिर माहाना बुनियाद पे फैमिली को जो है पेंशन की अमाउंट मिल रही होती है 20 साल तक। तो ये काफ़ी सारे जो है इसके फवायद हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। सबसे ज़्यादा फवायद तो यही है कि आपकी अमाउंट जो है सेविंग हो रही होगी आपकी एक अच्छी जगह पे और इसका रिटर्न आपको एक अच्छा मिलेगा। 2 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे 20 साल में और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 8 से 10 लाख मिलेगा। ये जो रिटर्न मिलने वाली अमाउंट है ये भी फिक्स अमाउंट नहीं है, जैसे जैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को फ़ायदा होगा उसी तरीके से आपको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में फ़ायदा होगा। अभी जिन लोगों की ये वाली पॉलिसीज ख़त्म हो रही है, जिनको मैच्योरिटी मिल रही है, उनको तकरीबन इस पॉलिसी के तहत सम इश्योर 2 लाख रुपये पे 7-7.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो आप लोग करवाएंगे यानी 2021 में अगर आप लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको आफ्टर 20 ईयर्स जो है तकरीबन 8 से 10 लाख मिलेंगे। तो अच्छी सेविंग प्लान है, अच्छी इन्वेस्टमेंट
कंपनी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, 0313-261-8209, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस हवाले तो कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक छोटा प्लान बताऊंगा, और ये एक ऐसा प्लान है जो हर शख्स ले सकता है, बआसानी ले सकता है। दोस्तों, इस प्लान को हासिल करने के लिए आप अगर चाहें किसी कंपनी में जॉब करते हो, या कोई फैक्ट्री में, या कोई शॉपकीपर हो, आप कुछ भी करते हो, आप इसको ईज़िली इस प्लान को आप हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम एंडोमेंट प्लान है, और इस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट का इदारा है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपकी सेविंग जो है सेफ रहती है। तो इस प्लान में करना ये कि अगर आप माहाना अपने पास जो है तकरीबन 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1500 रुपये अमाउंट सेव कर सकते हैं, और उसे आप माहाना बुनियाद पर अपने पास सेव करें, और सालाना बुनियाद पर अगर आप 15,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे करेंगे, तो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वह तकरीबन 12 से 15 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, आपको साल के जो है 15,000 रुपये पे करने हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का ये सालाना प्लान है जिसमें आपको साल के 15,000 रुपये जो है वो सेव करने हैं, पे करने हैं, और आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो 12 से 15 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर दुराने पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं, और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए, तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं, जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसका 80%। ठीक है, इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा ना खासा डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस सूरत में फैमिली को नेशनल डेथ की मद में जो है 3 लाख रुपए जमा शुदा बोनस दिया जाता है, और एक्सीडेंट की सूरत में 6 लाख रुपए जमा शुदा बोनस दिया जाता है। अगर इस पॉलिसी की अमाउंट को आप इस पॉलिसी में अगर आप और बेनिफिट्स चाहते हैं, तो आप अपनी इस पॉलिसी में जो है AIB राइडर और FIB राइडर को भी ऐड करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपसे अमाउंट ली जाएगी 15,000 रुपये, ये कोई फिक्स नहीं है, आपकी जो एज होगी उसके मुताबिक आपसे अमाउंट ली जाएगी। आपकी जो आपको जो बेनिफिट्स चाहिए होंगे वो तमाम को लगा के जो अमाउंट बनेगी वो आपसे ली जाएगी। ठीक है, तो राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स ये होते हैं AIB राइडर्स इंजरी क्लेम। अगर दुराने पॉलिसी खुदा ना खासा कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया हो जाता है, तो उस सूरत में भी कंपनी क्लेम देती है, इसे कहते हैं AIB राइडर। ठीक है, इसी तरीके से एक राइडर होता है FIB। FIB का मतलब होता है फैमिली इनकम बेनिफिट। अगर दुराने पॉलिसी डेथ होती है, तो उस सूरत में फैमिली को 3 से 6 लाख रुपए तो दिए जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा 20 साल तक सालाना बुनियाद पे पेंशन की अमाउंट भी एक दी जाती है, जो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये के करीब होती है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, 0313-261-8209, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास छोटे प्लान भी हैं, हमारे पास इससे बड़े प्लान भी हैं। जो जिसकी सेविंग होगी, जो जिसकी डिमांड होगी, उसके मुताबिक हम उसको प्लान बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें और भी आपको कुछ चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ये व्हाट्सअप का है, जिस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो हर शख्स ले सकता है, बआसानी ले सकता है। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है, और इसमें आपको करना यह है कि अगर आप साल के 20,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रीमियम के तौर पर अदा कर सकते हैं, तो इसका रिटर्न आपको 20 साल के बाद तकरीबन 16 से 18 लाख रुपये मिलेगा। इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल ले जाते हैं, और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए, तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से। इसके अलावा दुराने पॉलिसी खुदा ना खासा डेथ हो जाए, तो उस सूरत में फैमिली को तहफ़ुज़ के तौर पे इस पॉलिसी में 4 लाख रुपये नेशनल डेथ की मद में, और एक्सीडेंट की सूरत में जो है 8 लाख रुपये जमा शुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी ख़त्म करवा सकते हैं। 5 साल के बाद भी ख़त्म करवाएंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन जितना अच्छा फायदा 20 साल के बाद मैच्योरिटी के वक्त, इतना अच्छा फायदा बीच में खत्म करवाने पर नहीं है। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेंगे तो इसमें और बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें आप जो है AIP और FIP राइडर्स को भी ऐड करवा सकते हैं। FIP राइडर में जो है आपको फैमिली इनकम बेनिफिट मिलता है, यानी दुराने पॉलिसी को दाना खाते डेथ होने की सूरत में फैमिली को 4 से 8 लाख रुपये भी दिए जाते हैं, और साथ ही जो है 20 साल तक सालाना बुनियाद पर पेंशन की अमाउंट भी दी जाती है। और AIV की मद में जो है इंजरी क्लेम होता है, डिसेबिलिटी की सूरत में जो है इंजरी क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, 0313-261-8209,
हमारे पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे प्लान भी मौजूद हैं और बड़े प्लान भी मौजूद हैं। आपकी जो इनकम होगी उसके मुताबिक हम आपको प्लान बना के दे देंगे। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर ये व्हाट्सअप का है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसको हर शख्स ले सकता है, बादशाह ले सकता है। इस प्लान का नाम इंडोमेंट प्लान है और ये सबसे अच्छा प्लान है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का। और इस प्लान में आपको क्या बेनिफिट्स होंगे ये तमाम मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 25,000 रुपये पे कर सकते हैं प्रीमियम के तौर पे, तो आफ्टर 20 इयर्स 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा। इस प्लान में आपको सिंपल जो है सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 25,000 रुपए पे करने हैं। 20 साल इसका जो है टाइम होगा, ड्यूरेशन पीरियड जो है 20 साल है इस पॉलिसी का, और इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा। इस पॉलिसी में और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं और इस पॉलिसी को आप 3 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 3 साल के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसका 80% आप लोन भी ले सकते हैं। दोहराने पॉलिसी खुदा ना खासा डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को तहफ़ के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर 5 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है नेशनल डेथ की मद में, और एक्सीडेंट की सूरत में 10 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है। इस पॉलिसी की अमाउंट्स में अगर आप चाहें राइडर्स वगैरह को ऐड करवाना तो आप AIP राइडर और FIP राइडर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। राइडर ऐड करवाने के बाद आपकी जो अमाउंट है 25,000 रुपये, ये कोई फिक्स नहीं रहती, ये आपकी एज के मुताबिक पैसे लिए जाते हैं आपसे, और इसमें राइडर लगने के बाद ये अमाउंट थोड़ी बढ़ जाती है। इस अमाउंट बढ़ने के बाद जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप AIP राइडर देते हैं तो आप जो है इंजरी क्लेम दोहराने पॉलिसी खुदा ना खासा कोई अगर इंजरी आती है तो उस सूरत में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपको क्लेम पे करेगी, और FIP की मद में फैमिली इनकम बेनिफिट। डेथ के बाद डेथ क्लेम मिलेगा आपको 5 से 10 लाख रुपये आपकी फैमिली को। इसके अलावा फैमिली को जो है 20 साल तक पेंशन की अमाउंट भी मिलेगी जो FIP राइडर में आती है। तो इस पॉलिसी को जो लोग भी लेना चाहते हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए, उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं आपके पास तकरीबन 25,000 रुपये होने चाहिए। जो लोग भी इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0313-261-8209। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हमारे पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे बड़े तमाम प्लान मौजूद हैं। आपकी जो भी डिमांड होगी, आपकी जो भी सैलरी होगी उसके मुताबिक हम आपको प्लान बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसे हर शख्स ले सकता है, बादशाह ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए कोई कैद नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं वो भी इस प्लान को बादशाह ले सकते हैं, और जिनका अपना कोई बिज़नेस है या कोई शॉप वगैरह वो भी इस प्लान को बादशाह ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस प्लान का नाम जो है वो एंडोमेंट प्लान है, टेबल 0320, और इस प्लान में जो भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी वो वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो इसमें देखें, अगर आपकी सेविंग जो है सालाना बेसिस पे 30,000 रुपये है, अगर आप सालाना जो है साल के 30,000 रुपये बचत कर सकते हैं, सालाना अपने पास जमा कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है प्लान है। और इस प्लान में जो है आप अगर सालाना बेसिस पे 30,000 रुपये पे करेंगे तो 20 साल के बाद, 20 साल इसका ड्यूरेशन है, 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए इसका आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप जो है 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। दुराने पॉलिसी खुदा ना खासा जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ क्लेम की मद में जो है नेचुरल डेथ क्लेम की मद में 6 लाख रुपए, और एक्सीडेंट की सूरत में 12 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है।
इसके अलावा इस प्लान में जो है AIB राइडर्स, FIB राइडर्स, ADP राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, जिनके फ़वाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। AIB राइडर्स में जो है इंजरी क्लेम होता है, दौरान पॉलिसी खुदा ना खासा कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया होता है जिसमें आपके अंगूठा अगर कट जाए या कोई आग ज़ाया हो जाए तो उस सूरत में कंपनी जो है AIB क्लेम भी देती है। और FIB होता है, FIB में होता है फैमिली इनकम बेनिफिट होता है, इसमें जो है दौरान पॉलिसी डेथ होती तो उस सूरत में फैमिली को डेथ क्लेम भी दिया जाता है, और साथ ही जो है सालाना बेसिस पे पेंशन का भी एक चेक दिया जाता है जिसकी अमाउंट भी एक अच्छी अमाउंट होती है जो सालाना बेसिस पे दी जाती है। ADP होता है, ADP में आपका जो डेथ क्लेम होता है वो डबल हो जाता है, यानी डेथ क्लेम आपका 6 लाख रुपये है तो आपको 12 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसमें इस प्लान को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी ले रहा है उसका NIC होना चाहिए, और नॉमिनी में जिसको रखना चाहते हैं उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त आप ये पॉलिसी लेंगे उस वक्त आपके पास तकरीबन 30,000 रुपये होने चाहिए। ये 30,000 रुपये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आप जब अपनी पॉलिसी में राइडर्स को ऐड करवाएंगे, बेनिफिट्स को ऐड करवाएंगे तो वो कम ज़्यादा हो सकती है अमाउंट। ओके, जो लोग भी इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो वो मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03132618209, और मेरा जो ऑफिस है वो मेन शहर फैसल पर है, आप लोग वहाँ भी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे प्लान भी मौजूद हैं इससे, और अगर आपको इससे बड़े प्लान चाहिए जो तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक, आपकी सैलरी के मुताबिक प्लान बना के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बेस्ट प्लान बताऊंगा, और इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है, और इसको हर शख्स ले सकता है, बासानी ले सकता है। जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिनका अपना बिजनेस है या कोई शॉप वगैरह, वो इस प्लान को बासानी ले सकते हैं। इस प्लान में अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 40,000 रुपये पे कर सकते हैं, यानी 40,000 रुपये सालाना अगर आप प्रीमियम की मद में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे कर सकते हैं, तो 20 साल की ये पॉलिसी होगी। 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपये इसका आपको रिटर्न मिलेगा। इस पॉलिसी को करवाने के लिए आपका अपना NIC चाहिए, नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसके NIC कॉपी चाहिए, और जिस वक्त आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं उस वक्त आपके पास तकरीबन 40,000 रुपये होने चाहिए। ये 40,000 रुपये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आपकी जो एज होगी और जो आप इस पॉलिसी में राइडर्स वगैरह ऐड करवाएंगे, जो बेनिफिट्स ऐड करवाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वही अमाउंट आपसे सालाना बेसिस पे ली जाएगी। इस पॉलिसी में और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि अगर आपने ये पॉलिसी ले ली और इस पॉलिसी को आप कंटिन्यू रखते हैं अगर 3 साल तक, तो 3 साल के बाद आप लोन की अमाउंट भी ले सकते हैं। अगर आपको कर्जे की मद में कोई अमाउंट चाहिए तो 3 साल के बाद जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसका 80% आप लोन भी ले सकते हैं। लोन लेने के बाद आप जिस तरह चाहे उसको वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है, जिस शख्स की पॉलिसी हुई भी है, तो उसकी फैमिली को डेथ क्लेम की मद में 8 लाख रुपए, नेचुरल डेथ की मद में जमाशुदा बोनस, और अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ होती तो उस सूरत में 16 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाएगा। अगर पॉलिसी में FIP राइडर्स 8 हो तो उससे फ़ायदा ये होगा कि डेथ के बाद डेथ क्लेम भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो है फैमिली को फैमिली इनकम बेनिफिट की मद में पेंशन भी दी जाएगी, जो सालाना बेसिस पे या फिर माहाना बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो फ़वाद हैं इस पॉलिसी में तमाम मैंने बता दी हैं। इसके अलावा जो है AIB राइडर्स, FIB राइडर्स, ADP राइडर्स भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। AIB राइडर्स क्या होता है, इसमें जो है इंजरी क्लेम भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पे करती है, इन केस अगर दौरान पॉलिसी किसी ने AIB राइडर लिया हुआ है और उसका कोई बॉडी का पार्ट जाया होता है, यानी कोई अंगूठा या फिर कोई शहादत की उंगली अगर उसकी कट जाती है, ज़ाया हो जाती है या आके ज़ाया हो जाती है, तो ज़ाया होने की सूरत में भी कंपनी क्लेम देती है। इसके अलावा FIB की मद में जो है फैमिली इनकम बेनिफिट दिया जाता है, डेथ क्लेम के बाद जो है पेंशन दी जाती है 20 साल तक फैमिली को। और ADP राइडर्स क्या होता है, ADP राइडर्स में जो है जो डेथ क्लेम की अमाउंट होती है वो डबल हो जाती है, यानी नेचुरल डेथ के मद में जो है 8 लाख रुपए, तो ये चीज़ जो है डबल हो जाती है, 16 लाख पे चली जाती है।
अगर ADP राइडर्स भी अपनी पॉलिसी में ऐड करवा दिया जाए तो ये बेहतरीन प्लान है। जो लोग भी सालाना बेसिस पे बचत करना चाहते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में, अपनी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है 03132618209। हमारे पास जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तमाम प्लान मौजूद हैं, छोटे बड़े, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड है, आपकी सैलरी है, उसके मुताबिक आपको बना के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए वाली पॉलिसी करवाना चाहते हैं, 2 लाख वाली करवाना चाहते हैं, 50,000 वाली करवाना चाहते हैं या 30,000 वाली करवाना चाहते हैं, तो हम वो भी प्लान आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बेहतरीन प्लान बताऊँगा, और इस प्लान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्टार्ट होगी 50,000 रुपये से। अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 50,000 रुपये बतौर प्रीमियम के अदा करते हैं तो 20 साल की ये पॉलिसी होगी। 20 साल के बाद जो आपको इसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मिलेगा तकरीबन 45 से 50 लाख रुपये। सालाना बेसिस पर आपको 50,000 रुपये अदा करने हैं, आफ्टर 20 ईयर्स आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। ये मिलने वाली रकम जो ये कोई फिक्स नहीं है, जिस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को फ़ायदा होगा, उसके बोनस रेट जो है जिस तरीके से ज़्यादा होंगे, उसी हिसाब से आपको इसका रिटर्न मिलेगा। और जो आपसे अमाउंट ली जाएगी 50,000 रुपये, ये भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये एज के मुताबिक और जो भी आप इसमें राइडर्स वगैरह जो भी बेनिफिट्स वगैरह ऐड करवाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो आपसे ली जाएगी। ओके, तो इसमें और जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा जो है दौरान पॉलिसी खुदा न खास्त डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है, तहफ़ के तौर पर जो है 10 लाख रुपये जमा शुदा बोनस दिया जाता है नेचुरल डेथ की मद में, और अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ हो तो उस सूरत में जो है 20 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी करवा रहा है उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, सेकेंड ओनर जिसको रखना चाहता है यानी नॉमिनी उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त पॉलिसी लेना चाहता है उस वक्त तकरीबन 50,000 रुपये होने चाहिए। अगर आप लोग इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618209। हमारे पास और भी प्लान है, आपकी जो भी इनकम होगी, जो भी आपकी सेविंग होगी, उसके मुताबिक हम आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लान भी बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।